आज मैं आपको प्रतिशत का 11वां टाइप बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा सरल है और ये आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। किसी भिन्न के अंत में, अंश में, सॉरी दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न कितनी होगी? 11/15 प्राप्त होगी। तो मूल भिन्न बताइए, ठीक है। तो अंश बटे हर होता है, आप सभी को पता होगा, अंश बटे हर, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ठीक है ना। क्या हुआ कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है, अंश में करनी है 10% की वृद्धि, 100 थी 110 हो गई वृद्धि, ठीक है। अब हर में कितनी वृद्धि होगी या कमी हो, तो यहाँ पे क्या कमी है तो कमी कर देंगे, तो पहले 100 थी अब 90 हो गई, बराबर कित परिणामी भिन्न किसके बराबर होगी या प्राप्त होती है, बराबर 11/15 के, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे अंश लिखेंगे बटे हर बराबर 11/15, 0 से 0 यहीं काट दो, ठीक है, और यहाँ पे आएगा दोस्तों 9/11, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो 11 से 11 गया, जब 11 से 11 गया, 3 से 3 त्रिका 9, 3 5 15, ठीक है, अंश बटे हर बराबर 3/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। मूल भिन्न पूछी गई थी तो मूल भिन्न ये आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे, सेम है, जैसे सॉल्व करेंगे, क्या हुआ किसी भिन्न के अंश में 150% वृद्धि तथा हर में 20% वृद्धि करें तो परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न ज्ञात करेंगे कैसे, उसी तरीके से अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश में कितना है, कितनी वृद्धि हुई, 150 की वृद्धि हो गई, तो 100 थी, ठीक है दोस्तों, 100 थी तो कितनी हो गई दोस्तों, 100 में प्लस करेंगे 150 तो 250 हो गई, ठीक है। हर में कितनी थी, हर में 300 की हो गई, 200 की होगी, सॉरी दोस्तों, 200 की हो गई, तो ये क्या है, 300 हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना, 300 हो गया, तो यहीं पे हम लोग 0 0 काट लेते हैं, ठीक है। परिणामी भिन्न कितनी है, 2/5 है, ठीक है, उल्टा कर लेंगे जैसे पहले सवाल वाले सवाल में था, अंश बटे हर बराबर 2/5 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 30, 25 वाला नीचे आएगा 25, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे, जैसे ये काटा 5 6 30, ठीक है ना, तो अब ये कटने वाला है नहीं, तो अंश बटे हर बराबर 12/25, यही आपका मूल भिन्न आ गया, तो आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।